सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के डिजिटल ज़माने में आपकी लिखावट का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके फ्यूचर पर नहीं पड़ता, मगर ये बात उन लोगों के लिए सही है जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लिखावट अच्छी न होने पर उनके रिज़ल्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और विद इन ए फ्यू डेज़ यानी कि बहुत ही कम समय में आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे निखार सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको 6 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, और अगर आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो दोस्त, आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, लिखावट इंसान का पहला इंप्रेशन होता है। ख़ास तौर पर ये परेशानी स्कूल के छात्रों को होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद सिर्फ लिखावट के कारण मार्क्स कम आ जाते हैं। कहा जाता है कि आपकी लिखावट से ही पता चलता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, पर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बेकार लिखावट से बहुत परेशान रहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लिखावट सबसे सुंदर और आकर्षित हो। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लिखावट कैसे अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव अपना राइटिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले टिप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला टिप्स आपका है कि लिखने की आदत बनाएं। दोस्त, होता क्या है कि आजकल के कंप्यूटर और SMS के बढ़ते चलन के कारण हैंडराइटिंग की अहमियत कम हो गई है। आजकल के बच्चों को हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज़्यादा आसान और मॉडर्न लगता है। यही वजह है कि हैंडराइटिंग सुधारने की तरफ न तो बच्चे ध्यान देते हैं और न ही टीचर्स इस दिशा में प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य में सफल होने के लिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। यह सबसे ज़रूरी है कि आप लिखने का अभ्यास शुरू करें। अच्छी लिखावट के लिए लेखन का अभ्यास करना ज़रूरी है। इसके लिए आप अखबार या किसी पत्रिका में देखकर लिखने की आदत डालें। छात्र अपने पुस्तक के पाठ्यक्रम को देखकर भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको, वो ये है कि आप लिखते समय अपने शब्दों पे ध्यान दें, और जो शब्द सुंदर नहीं बन रहे हैं उनको ठीक तरीके से बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। आप जितना अधिक लिखेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शब्दों और अक्षरों को सही तरीके से लिखें। दोस्त, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट टिप्स है। तो इस टिप्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के साथ साथ अपनी लिखावट पर भी ध्यान दें कि आपके शब्दों और अक्षरों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। इससे आपका लिखना हुआ लेख बहुत साफ और सुंदर दिखाई देता है। साफ और सुंदर लिखी हुई कॉपी ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास चेकिंग के लिए भेजी जाती है, जो तो इसकी काफ़ी अच्छी और सुंदर लिखी हुई होती है, जिससे प्रिंसिपल के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उस कॉपी का। जितना आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे उतने ही आपको लिखावट में अंतर दिखाई देगा, और ऐसा करने से आपकी राइटिंग महीने या 2 महीने में एकदम बेस्ट हो सकती है, और आपके टक्कर का राइटिंग कोई नहीं होगा आपके पूरे क्लास में। तो दोस्त, वो वाली जो अभी मैंने टिप्स बताई वो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दोस्तों, जो तीसरी टिप्स है वो भी आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। इसमें ये कह रहा है कि शब्दों के आकार पर ध्यान दें। दोस्तों, कई बार ये होता है कि आप किसी भी शब्द को बड़ा लिख देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को छोटा लिख देते हैं। इससे आपके राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। जब भी लिखें अपने शब्दों को ध्यान में रख कर लिखें, आपके शब्द बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि बहुत बड़े शब्द के कारण आपकी लिखावट ख़राब दिख सकती है, और अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी भी है तो आपको भी पढ़ने में परेशानी होगी, और सामने वाला जो एग्ज़ामिनर होगा, जो आपको नंबर देगा राइटिंग पे या फिर लिखने पे,
उसको भी परेशानी होगी। तो न ही ज़्यादा बड़ा लिखें और न ही ज़्यादा छोटा लिखें। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई शब्द छोटा हो या बड़ा सीम लाइन से बाहर ना हो, यानी कि अगर लिख रहे हैं छोटा लिख रहे हैं तो छोटा ही लिखें, लेकिन ऐसा उसको मैनेज करिए कि छोटे में ही सारे अक्षर जो हैं वो समान आकार के हों। ये नहीं कि एक अक्षर बड़ा हो गया और एक अक्षर छोटा हो गया। हमेशा आपके शब्द सामान्य हों, यानी ज़्यादा ना बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों, सामान्य आकार में हों और एक ही लाइन में हों, एक ही डायरेक्शन में हों। ये भी आपका दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार देखिए आप तीन डायरेक्शन से लिख सकते हैं, एक तो तिरछा लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं और एक और भी तरीके से लिख सकते हैं जो आप तरीका जानते हैं उस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो उससे आपकी राइटिंग देखने में अच्छी लगती है और सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक करता है उसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं सहनी पड़ती है और आपकी कापी अच्छे तरीके से वो जांच सकता है और आपको मार्क्स अच्छा दे सकता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। चौथी जो पॉइंट है वो ये है कि लिखावट में ज़्यादा दबाव ना दें। होता क्या है दोस्त कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा देना चाहिए कि कभी भी ज़्यादा दबाव देकर ना लिखें, इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। लिखते समय ये हमेशा ध्यान दें कि पेन या पेंसिल के नीब पर ज़्यादा दबाव ना दें, क्योंकि दबाव देने पर लिखावट में काफ़ी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से आपकी कॉपी भी ख़राब हो सकती है। और दोस्त आप ये रियलाइज़ भी करते होंगे कि ज़्यादा दबाव दे के लिखने से आपकी कॉपी के जो पीछे वाला पन्ना होता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है और आपकी राइटिंग भी ज़्यादा इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो इस बात को भी अपने राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए ध्यान में रखें। और जो पांचवा टिप्स है वो ये है कि लिखावट में जल्दबाजी ना करें। कई बार ये होता है कि हम पेपर में बहुत धीरे धीरे से सजा सजा के लिखते हैं और लास्ट आते आते बहुत तेज हो जाते हैं। जब समय कम रहता है और लिखना ज़्यादा रहता है तो एक ही बार बहुत तेज़ी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। सो दोस्तों आपको करना क्या है कि जब आप लिखावट सुधारने के लिए शुरुआत करें तो सबसे पहले धीरे धीरे से लिखना शुरू करें और अपने अक्षरों को सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। हमेशा तेज़ी से लिखने के बजाय लिखावट ख़राब हो सकती है, तो अच्छी लिखावट के लिए जो भी आप लिख रहे हैं आराम से लिखें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से अक्षर ठीक नहीं लिखे जाते, जिससे लिखावट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लिखावट ख़राब होने के साथ साथ बहुत सारी गलतियां भी होने की पूरी चांसेस होती हैं। अगर एक बार सही लिखने की आदत हो जाएगी तो फिर आप तेज भी लिखेंगे तो आपका जो राइटिंग है वो अट्रैक्टिव लगेगा और एक डायरेक्शन में हो जाएगा, उस फिक्स हो जाएगा कि आप तेज भी लिखेंगे तभी भी आपका राइटिंग अच्छा बनता जाएगा। और जो लास्ट टिप्स है वो मैं आपको बता दूं कि ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अपने अगर इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो राइटिंग है अट्रैक्टिव होगा और एग्ज़ामिनर के नज़र में आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देख लीजिए क्या है। लास्ट टिप्स है कि लिखते समय साफ सफाई का ध्यान रखें, बिना कट पिट किए लिखने की कोशिश करें और ओवर राइटिंग ना करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सिर्फ एक सिंगल लाइन से क्रॉस करें। दोस्तों कई बार ये होता है कि अगर हमसे कुछ गलत होता है तो उसे पेन से इतना बार दोहराते हैं, इतना बार ज़्यादा उस पर स्ट्रेच कर देते हैं पेन को कि वो पूरा भद्दा दिखने लगता है, जिससे एग्ज़ामिनर को पूरी राइटिंग नहीं दिखती है, सिर्फ वो कटा हुआ पोर्शन दिखता है। ये हमारा ही दिन होता है, तो ये मत ऐसा कुछ ना कर दीजिए लिखते समय कि आपके जो लिखावट है उस पर बुरा प्रभाव पड़े। और नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले दो उंगली का गैप जरूर छोड़ें। ऐसा करने से आपको जो भी लिखा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कोई भी पढ़ और समझ सकता है। साफ सफाई के लिखा गया हमारा लेख मस्तिष्क को अच्छा लगता है, जिससे आपको समझने या याद करने में मदद मिलती है। इसके जरिए छात्र अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स और स्कूल टॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा वीडियो देख के कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दोस्त कमेंट सुनने से एक मोटिवेशन सा मिलता है वीडियो बनाने का। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।